Here we are going to see about artificial propagation. Before that we saw the natural propagation, natural vegetative propagation. So what is meant by artificial vegetative propagation? Artificial vegetative propagation का meaning क्या होगा कि जो man-made special technique है उसी को कहा जाता है man-made special technique, जो एक plant से दूसरा plant बनाए या plant की जो somatic body है उससे हमको जब new plant बनाना है तो उसको बोलेंगे artificial प्रोपागेशन। आर्टिफिशियल प्रोपागेशन मीन्स क्या हो रहा है, तो अभी मैंने आपको बोला है वही यहां पर लिखना पड़ेगा एक बार, मैन मेड स्पेशल टेक्निक, मैन मेड स्पेशल टेक्निक किसके लिए, जो सोमैटिक बॉडी है प्लांट की। सोमैटिक मतलब समझ में आता है, सोमा का मीनिंग होता है बॉडी और रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब फ्लावर। प्लांट के अंदर दो पार्ट होते हैं, मैंने बोला था एक था वेजिटेटिव एक था रिप्रोडक्टिव। वेजिटेटिव मतलब जो फूड स्टोर कर रहा था, जिसके अंदर रूट स्टेम और लीफ ये तीनों आएंगे, और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके अंदर क्या आएगा फ्लावर। तो जो सोमैटिक बॉडी है, क्योंकि यहाँ पर प्लांट बोलते मैंने अभी आपको टू पार्ट बोल दिए, एक वेजिटेटिव पार्ट और एक कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये जो वेजिटेटिव पार्ट है इसी को बोले हम सोमैटिक बॉडी, और ये जो सोमैटिक बॉडी होगी इसके अंदर से क्या करें हम, इसी को बाय यूजिंग सम टेक्निक विद हेल्प ऑफ ह्यूमन बीइंग मतलब मैनमेड स्पेशल टेक्निक, इससे हम प्लांट के क्या कर रहे हैं न्यू प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसके अंदर डिसाइड वैरायटी रहेंगे। मतलब क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू प्रोपागेट डिसाइड वैरायटीज ऑफ प्लांट, डिसाइड वैरायटीज ऑफ प्लांट। और ये जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है ये जनरली बेस्ट कौन से सीजन में होगा, तो जो रेनी सीजन है और स्प्रिंग सीजन है, रेनी सीजन एंड स्प्रिंग सीजन आर द बेस्ट सीजन टू डू और टू परफॉर्म दिस टाइप ऑफ टेक्निक, दीज आर द बेस्ट सीजन टू ग्रो दिस प्लांट। ठीक है, तो वेरियस हॉर्टिकल्चर मेथड यूज होंगे आर्टिफिशियल प्रोपागेशन में, जिनके नेम अभी मैं वन बाय वन बोलूंगा, तो ये याद रखना है। यहां पर कौन कौन से टेक्निक है देखे, जो आर्टिफिशियल प्रोपागेशन होता है इसके अंदर मेनली हमको फोर टेक्निक देखना है। एक होगा कटिंग, फिर उसके बाद नंबर टू रहेगा लेयरिंग, लेयरिंग नंबर थर्ड इज ग्राफ्टिंग, और जो नंबर फोर है वो है माइक्रो प्रोपागेशन, माइक्रो प्रोपागेशन। These are the four technique micro propagation. तो cutting, layering, grafting और micro propagation ये mainly हमको four technique देखने का है, और इसके अंदर भी one by one technique है। जब हम cutting देखेंगे तो cutting के अंदर root का cutting, stem का cutting और leaf का cutting। जब हम layering देख रहे हैं तो उसके अंदर क्या आएगा, tip layering, trench layering, serpentine layering, mound और stool layering और गुटी layering, ये five words। और जब ग्राफ्टिंग देख रहे तो वहां पर आएगा टंग, वेज, क्राउन, अप्रोच और बड, ये हो गए फाइव टाइप ग्राफ्टिंग के। क्या क्या बोला मैंने, जब ये कटिंग होगा तो इसके अंदर ये याद रखने का रूट स्टेम और लीफ, जब लेयरिंग होगी तो यहां पर भी नेम याद रखने के, कौन कौन से टाइप के लेयरिंग हो सकता है, एक टिप, ट्रेंच, सर्पेंटाइन, माउंड और गुटी, और जहां पर ग्राफ्टिंग होगा वहां पर ये सब नाम, टंग ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग, क्राउन ग्राफ्टिंग, अप्रोच ग्राफ्टिंग और बर्ड ग्राफ्टिंग। और माइक्रो प्रोपागेशन ये एक टिश्यू कल्चर की टेक्निक है जो मैं बोलूंगा एट द एंड, या इसके ऊपर एक पूरा वीडियो है, क्योंकि ये टिश्यू कल्चर ये जो कॉन्सेप्ट है हमको नेक्स्ट क्लास में आएगा, मतलब आगे। ठीक है, तो ये अब देखते हैं वन बाय वन पार्ट। देखिए आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन कब होता है, क्यों होता है, ये मैंने आपको अभी बोले वाला है। ठीक है, कौन कौन से सीजन में होगा और कौन कौन से मेथड है। तो कटिंग, अब देखिए कटिंग क्या, कटिंग के अंदर क्या हो रहा है, जो रूट स्टेम या लीफ ये जो पार्ट रहता है प्लांट के अंदर, वो पार्ट को कट करना है और उसी के क्या करने का है, उसके साथ मिक्स करना है पीजीआर प्लांट ग्रोथ हार्मोन, स्पेशली कौन से हार्मोन, ऑक्सिन, क्योंकि ऑक्स का मीनिंग होता है टू ग्रो। तो क्या करेंगे इसके अंदर, वी आर गोइंग टू कट द स्टेम लीफ और रूट विच आर प्लांटेड इन द नर्सरी इन नेचुरल पोलराइज फैशन, प्री रिक्विसाइट टू सक्सेसफुल कटिंग इज द इंडक्शन ऑफ रूटिंग।
जो भी ये पार्ट है, रूट है, स्टेम है, लीफ है, इसको जब हम ऑक्सिन के साथ ट्रीट कर रहे हैं, ऑक्सिन का रोल हमको पता, देखिए एक तो मेल फ्लावरिंग करता है, फ्लावरिंग मतलब वो सेक्सुअल हो गया, पर ऑक्सिन का मेन रोल हमको पता है, वो क्या करता है, रूटिंग। जब ऑक्सिन का रेशियो साइटोकिनिन से ज्यादा रहता है तब क्या होता है, रूट प्रोड्यूस होता है, राइजोजेनेसिस होगा। तो इसके अंदर देखिए वन बाय वन बोला है, पहले स्टेम कटिंग, फिर बाद में रूट कटिंग और लीफ। तो स्टेम कटिंग आर्टिफिशियल मेथड है, जिसके अंदर क्या करेंगे हम, 20 to 30 meter, सेंटीमीटर सॉरी, मीटर बोले बहुत बड़ा हो गया, 20 to 30 centimeter लॉन्ग पीस जो रहेगा 1 year old स्टेम का, उसको कट करेंगे और उसका जो लोअर एंड है उसको क्या करने का, ऑक्सीजन के अंदर डीप करके रखने का। क्यों ऑक्सीजन के अंदर डीप करेंगे, क्योंकि वहां से रूटिंग होना है। तो यहां पर दिख रहा है, देखिए ये एक प्लांट है जिसका हमने क्या किया, 20 to 30 centimeter का जो स्टेम होगा उसको कट करना है। कट करने के बाद उसको कहां पर डिप करने का है, ऑक्सीजन के अंदर। ऑक्सीजन के अंदर डालने के बाद कुछ टाइम तक रुकना है, मीन्स वेट फॉर सेवरल मिनट्स या कुछ वीक्स तक रुकना है। तो उसके बाद क्या होगा, यहां पर ऐसे एडवांटिशियस रूट्स डेवलप हो जाएंगे शूट सिस्टम से। तो ऐसा किस किस में होता है, रोसा गैलिका में, दुरांता, सोआन, इन प्लांट के नाम दिए वाले देखिए, बोगनवेलिया, क्रोटोन, चाइना रोज, इनके अंदर ये पार्ट पॉसिबल है। स्टेम को कट करना है 20 to 30 centimeter, उसको ऑक्सिन में डिप करना है, कौन से ऑक्सिन, लाइक IBA और NAA, इंडोल ब्यूटरिक एसिड और नाफ्थलिन एसिटिक एसिड। तो ये है ऑक्सिन्स। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये मेथड दिखाई है कि ग्राफ्टिंग जो है वो कैसा हो रहा है। ये देखिए टी शेप्ड इंसर्शन, बडिंग, सियोन स्टॉक, ये हमको आगे और आने वाला है अप्रोच, ग्राफ्टिंग, टंग ग्राफ्टिंग क्या है, ग्राफ्टिंग आगे का पार्ट है, अभी हम देख रहे कटिंग रूट स्टेम लीफ में वाला। यहां पर देखिए दिख रहा है लीफ कटिंग, इसके पहले हमने देखा है स्टेम कटिंग। अब जब लीफ कटिंग होगा तो वो होता है स्नेक प्लांट में, स्नेक प्लांट ये आपको नीचे दिख रहा है, देखिए दिस इज कॉल्ड अ स्नेक प्लांट। तो इसकी ये जो लीफ है, इस लीफ को कट करने का, कैसा कट करने का, ट्रांसफर लीफ इंटू टू और थ्री पार्ट्स एंड प्लांटेड इन वर्टिकल पोजिशन। वर्टिकल पोजिशन यहां पर दिख रही है, देखो दिस इज वर्टिकल पोजिशन, दिस इज वर्टिकल पोजिशन, इस तरह की वर्टिकल पोजिशन में उसको क्या करने का है, प्लांट करने का है। तो क्या हुआ इसके अंदर, लीफ कटिंग के अंदर लीफ को ट्रांसवर्टली कट कीजिए, फिर उसको सॉइल के अंदर वर्टिकली इसको अंदर फिक्स करने का। एंड सक्सेसफुल लीफ कटिंग बिसाइड द इंडक्शन ऑफ रूटिंग, फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस बर्ड्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इसको जब हमने इस सॉइल में डाल दिए, वाटर ऐड किए, तो इसके अंदर एडवेंटिशियस ऐसा रूट डेवलप होना जरूरी है जो हमको यहाँ पर दिख रहा है। और टाइम कितना लगेगा, तो ये है day 1, ये हो गया 2 month, ये हो गया 4 month। तो मतलब 4 month तक क्या हो गया, ऐसे उसके अंदर एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप हो जाएंगे। लीफ कटिंग का एग्जाम्पल याद रखिए, क्या बोला यहाँ पर, स्नेक प्लांट। और स्टेम कटिंग के अंदर अभी कौन से एग्जाम्पल बोले थे, चाइना रोज, रोजा गैलिका, उसके बाद और कौन सा था, बहुत सारे एग्जाम्पल बोले वहां पर, बोगनवेलिया भी है, बोगनवेलिया। अब देखिए रूट कटिंग, रूट कटिंग के अंदर क्या होगा, द लॉन्ग पीसेस ऑफ रूट विच आर यूज्ड टू आर्टिफिशियली प्रोपागेट न्यू प्लांट्स, द एबिलिटी टू फॉर्म एडवेंटिशियस रूट्स और बर्ड्स आर प्री रिक्विसाइट। मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि उनके अंदर एडवेंटिशियस रूट्स बर्ड ये प्रोड्यूस होना, क्योंकि उसी से फिर बाद में न्यू प्लांट के लिए न्यूट्रिशन मिलेगा। रूट कटिंग आर यूज्ड इन द प्रोपागेशन ऑफ लेमन, यहाँ पर दिख रहा, देखिए ये लेमन है, देन टैमरिंड, ब्लैकबेरी और रास्पबेरी। इन प्लांट के अंदर रूट का कटिंग होकर उससे न्यू प्लांट प्रोड्यूस करना पॉसिबल है। तो ये हो गया कटिंग। कटिंग के अंदर क्या देखा हमने, स्टेम कटिंग, लीफ कटिंग, रूट कटिंग। स्टेम कटिंग के एग्जाम्पल बोले मैंने, लीफ का क्या है, स्नेक प्लांट, और रूट का क्या है, लेमन, टैमरिंड, ब्लैकबेरी और रास्पबेरी। ये एग्जाम्पल याद रखना है। यहाँ पर दिख रहे देखिए ये एडवेंटिशियस रूट्स और फिर एडवेंटिशियस बर्ड्स प्रोड्यूस होंगे। उसके बाद देखो नंबर टू टेक्निक जो है वो रहेगा लेयरिंग। लेयरिंग इज अ टाइप ऑफ रूटिंग कटिंग मेथड इन विच एडवेंटिशियस रूट्स आर इंड्यूस्ड टू डेवलप ऑन अ सॉफ्ट स्टेम व्हाइल इट इज अटैच टू प्लांट। मीनिंग क्या हो रहा है कि यहां पर देखिए ये प्लांट है,
प्लांट को क्या करेंगे, उसका एक पर्टिकुलर पार्ट, जैसे सपोज ये आपको वीडियो में दिखता होगा, सपोज ये है स्टेम, सपोज दिस इज स्टेम, स्टेम का ये पार्ट है ब्रांच, इसको लीफ लगे वाले, तो इसके लीफ को क्या करना पड़ेगा, निकाल देना पड़ेगा, मतलब डिपोलिशन करना पड़ेगा, और उस पार्ट को हम क्या करें, सॉइल के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये जो ब्रांच थी स्टेम की, वो ऑलरेडी प्लांट को अटैच है, मतलब प्लांट का पार्ट अभी तक हमने कट नहीं किया, इसलिए इसको रूटिंग कटिंग मेथड बोल रहे हैं। तो अब क्या होगा यहाँ पर, देखें, इट इज कैरिड आउट ऑन 1 year ओल्ड बेसल शूट ब्रांचेस कॉमनली ड्यूरिंग अर्ली स्प्रिंग, स्प्रिंग मतलब पता है वसंत ऋतु, और इन रेनी सीजन, अ सॉफ्ट बेसल ब्रांच इज डिफोलिएटेड, मतलब देखिए जो भी पार्ट को हम यूज कर रहे हैं लेयरिंग के लिए, उसके यहाँ के लीफ हमको कट कर देना पड़ता है, और उस पार्ट को हम क्या करेंगे, सॉइल के अंदर बरिड करें उसको, डिफोलिएटेड मिडल वेयर स्मॉल इंजुरी और कट इज ऑल्सो गिवन, कट मतलब इसको कट करें, प्लांट से डिटैच नहीं करें हम उसको, वो जो ब्रांच है वो स्टेम को अटैच है, देन द इंज्योर्ड डिफोलिएटेड पार्ट, इंज्योर्ड मतलब उसको कट किया इसलिए उसको इंजुरी बोले वाला है, डिफोलिएटेड पार्ट इज पेग्ड, पेग मतलब क्या, इसके अंदर सॉइल के अंदर उसको इंसर्ट करना, इसको बोले वाला पेग्ड, जैसे देखिए हम टीथ, आर्टिफिशियल टीथ अगर गम के अंदर इंसर्ट करें तो उसको बोलते पेग, पता ना, पेग एंड सॉकेट जॉइंट, तो पेग्ड इन द सॉइल टू डेवलप एडवांटेजियस रूट्स एंड द पेग्ड डाउन ब्रांच ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एज लेयर। अब ये होगा लेयर, मतलब देखिए स्टेम का ये जो ब्रांच थी इसका क्या किया, डिफोलिएशन, उसके बाद क्या किया, इसको एक स्मॉल कट दिया जिसके वजह से क्या होगा, इसको इंजुरी, और फिर उसको क्या किया, सॉइल के अंदर पिक किया गया, फिर उस पार्ट को क्या बोला गया, लेयर, और टेक्निक को बोला गया लेयरिंग। तो लेयरिंग देखिए यहाँ पर कौन कौन से टाइप की है, मैंने बोला आपको टिप लेयरिंग, ट्रेंच लेयरिंग, सरपेंटाइन, माउंड और गुटी एयर लेयरिंग, गुटी लेयरिंग, तो ये देखना हमको, ठीक है। देखिए ट्रेंच लेयरिंग, द ट्रेंच लेयरिंग इज बेसल, ट्रेंच का मीनिंग क्या होता है, खाई, खोदना, मतलब खोदने को बोलते हैं ट्रेंच, द बेसल ब्रांच इज पेग्ड इन अ हॉरिजॉन्टल पोजिशन, हॉरिजॉन्टल मतलब समझ में आ रहा है ऐसा, इन अ ट्रेंच मेड इन द सॉइल, ट्रेंच मतलब खोदकर गड्ढा बनाना, बस डेवलप अ नंबर ऑफ वर्टिकल शूट्स, एग्जाम्पल वॉलनट मतलब आकरोड, और मलबेरी प्लांट पता होगा, मलबेरी तूती चे झाड़ बोलते हैं इसको, मलबेरी प्लांट जिसके ऊपर वो सिल्क वर्म को ग्रो करने के लिए काम करता है। तो अब देखिए ये प्लांट दिख रहा है, अब इसकी ये जो ब्रांच है यहाँ पर भी क्या किया गया, डिफोलिएशन, मतलब लीफ जो थे वो निकाल दिए गए, इसकी जो ब्रांच है और यहाँ पर जो सॉइल थी, या सॉइल के यहाँ पर क्या बना गया, इस सॉइल को निकाल कर यहाँ पर क्या बना गया, ट्रेंच, और उस ट्रेंच के अंदर इस पार्ट को डीप करके सॉइल वापस उसके ऊपर ऐड कर दी, उसके बाद ये जो पार्ट है यहाँ से क्या होगा, रूटिंग और न्यू प्लांट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, इसको कहा जाएगा ट्रेंच लेयरिंग। देन सर्पेंटाइन लेयरिंग, सर्पेंटाइन का मीनिंग होता है स्नेक लाइक, जैसे स्नेक होता है उसकी मूवमेंट हमको पता है, जैसे तो वैसा यहाँ पर मूवमेंट दिख रहा है, द बेसल ब्रांच इज पेग्ड एट सेवरल प्लेसेस, मतलब देखिए यहाँ पर भी पेग किया, यहाँ पर भी पेग किया, और अगर ब्रांचेस रहे तो यहाँ पर, यहाँ पर, तो ये जो मोशन दिख रहा है ये हमको स्नेक के जैसा दिख रहा है, स्नेक के जैसा, इसलिए इसको बोले वाला है सर्पेंटाइन लेयरिंग। द नेक्स्ट इज माउंड और स्टू लेयरिंग, अब इसके अंदर क्या होगा, देखो माउंड का मीनिंग होता है टीला, जैसे कोई सॉइल हो और उसके ऊपर, सॉइल के ऊपर हमने सॉइल लगाया हॉरिजॉन्टल पार्ट पे, तो वो कैसा दिखता है, वो जैसा बैल होता ना उसके ऊपर हम्प दिखता है, देखिए हमको, या कैमल के ऊपर हम्प दिखता है, देखिए हमको, तो उसको बोलते हैं माउंड, मतलब वैसे पार्ट को बोलेंगे माउंड। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो द शूट इज प्रूनड, प्रून का मीनिंग कम कर देना, जो शूट होगा उसको कम करेंगे, फ्रॉम इट्स लोअर पार्ट एंड कवर्ड बाय सॉइल एंड द टिप इज केप्ट आउटसाइड द सॉइल, जो टिप है, आप देखिए यहाँ पर ये जो इसका रूट था ये सॉइल में ही है, ठीक है, दिस इज इन सॉइल, हो गया। अब ये जो ऊपर का पार्ट है, मतलब ये सिस्टम कौन सी हो गई, शूट सिस्टम, नीचे का पार्ट था रूट सिस्टम, तो इस पार्ट को ऐसा ही रखा गया,
इसके ऊपर का पार्ट क्या किया गया, कट, इस पार्ट को कट किया। अब कट करने के बाद सॉइल लेवल उतना ही है, अब जो पार्ट यहाँ पर रिमेनिंग है उसके ऊपर क्या किया वाला है, सॉइल को डस्ट किया गया। मतलब वेन नंबर ऑफ न्यू शूट्स डेवलप, क्या क्या किया गया इसके अंदर, द शूट इज प्रून, प्रून मतलब कट करना, कम करना, फ्रॉम इट्स लोअर पार्ट एंड कवर्ड बाय द सॉइल बट द टिप इज केप्ट आउटसाइड द सॉइल, वेन अ नंबर ऑफ शूट डेवलप्स द सॉइल एंड सॉडस्ट आर पोर्ड ओवर द बेस टू फॉर्म द न्यू माउंड एंड ईच शूट डेवलप्स द न्यू रूट। मतलब देखिए यहाँ पर ये माउंट किया गया, इसको बोलते हैं माउंट, मतलब ये सॉइल का नॉर्मल सरफेस था, इसके ऊपर ये बनाया गया टीला, टीला मतलब हाइट, माउंट इसको भी बोल सकते हैं स्टूल। अब क्या होगा फिर यहाँ से वापस बडिंग होगा, न्यूट्रिएंट मिलने के बाद वो उसकी ग्रोथ होगी, तो इसको बोलते हैं माउंट लेयरिंग, जो किसके अंदर दिखेगा हमको, गूसबेरी, एप्पल, पियर, जैस्मिन, ब्यूटी और एयर लेयरिंग। तो ये एक एंशियंट हॉर्टिकल्चर टेक्निक है, एंशियंट मतलब बहुत सालों से, फ्रॉम प्रोपागेशन ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ट्रीज एंड शब्स वेयर द सॉफ्ट ब्रांचेस डू नॉट ऑकर नियर द सॉइल। मतलब जहां पर सॉफ्ट ब्रांचेस नहीं, ब्रांचेस जो वो थोड़े हार्ड है, तो वो हार्ड भी होने चाहिए, हेल्दी भी होने चाहिए, सो दैट क्या करेंगे उन ब्रांचेस का बेसल पार्ट से तो 3 to 5 centimeters तक उसकी जो बार्क रहती है उस बार्क को निकाल लेता है। क्या बोला मैं, ये जो स्टेम दिख रहा है हमको, ये है इसका ब्रांच, इस ब्रांच का ये हो गया बेसल पार्ट, ठीक है, बेसल पार्ट, बेसल पार्ट से 5 centimeters तक इसकी जो बार्क रहती है उस बार्क को रिमूव करने का, रिमूव करने के बाद क्या करना है, वहां पर एक थिक प्लास्टर लगाना है, कहां पर, ये इतने एरिया में जहां से उसकी बार्क निकाली गई है, ठीक है, उसके ऊपर थिक प्लास्टर लगाएंगे ग्राफ्टिंग क्ले का। एंड क्ले किससे बने वाला है, तो उसके अंदर तीन चीजें, एक वन पार्ट ऑफ काउ, एक वन पार्ट ऑफ फाइनली कट हे और मॉस, मॉस मतलब पता है ना आपको, मॉसेस ब्रायोफाइट, उनका पाउडर या उनको क्रश किए वाला, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा। एंड टू पार्ट्स ऑफ क्ले, क्ले मतलब चीनी माटी, इट इज एडेड टू अ वाटर, मतलब उसका एक पेस्ट बनाने का और उसको लगाने का उसके ऊपर, ये तीन चीजें हो गई। उसके अंदर पीजीआर भी ऐड करना है, मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन, कौन कौन से, IAA, IBA और NAA, और उसको रैप कर देंगे अराउंड दिस पार्ट जहां से हमने क्या किया था, बार्क रिमूव किया था। अब ये देखो, ये जो पार्ट है ये एयर के अंदर सस्पेंड है, एयर के अंदर है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एयर लेयरिंग, क्योंकि ये हवा में हो रहा है, एयर लेयरिंग या गुटी बोलेंगे इसको, गुटी मीन्स एयर लेयरिंग। देन रैप्ड इन अ पॉलीथिन आफ्टर 2 to 3 months द रूट स्टार्ट्स टू अपीयर, और जब रूट आना इसका स्टार्ट हो जाता है तो फिर इसको उस पार्ट से निकाल के इसको न्यू प्लांट के लिए हम यूज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं एयर लेयरिंग। समझ में आ गया, स्टेम की जो ब्रांच है उसको 3 to 5 centimeters उसकी रिंग बार्क जो है वो निकालना है, उसके ऊपर क्या करने का है, क्ले मॉस, उसके ऊपर वैक्स भी लगा सकते हैं, टू पार्ट्स ऑफ क्ले, काउडंग और मॉस लगा रहे हम, और अलॉन्ग विद प्लांट हार्मोन मतलब IBA जो जो है ऑक्सिन, और उसके बाद जब वो ग्रो हो जाएगा 2 to 3 months के बाद फिर उससे हम न्यू प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर दिख रहा है, देखिए सिंपल लेयरिंग कहाँ पर है, माउंट लेयरिंग कहाँ पर है, और गुटी मतलब एयर लेयरिंग कहाँ पर है। ये डायग्राम अच्छे देखिए, यहाँ से समझ में आ जाएगा, ये देखिए लेयरिंग इस तरीके से, ये हो गया माउंट, ठीक है, ये माउंट लेयरिंग अगर ऊपर अपना ऐसा किए तो, ठीक है, ये याद रहना चाहिए। उसके बाद देखिए ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग का मीनिंग क्या होता है, एक पार्ट मतलब जैसे सपोज ये फॉर एग्जांपल ये मेरा जो चीक है, सपोज ये स्किन खराब हो गई, तो अब इसके ऊपर दूसरी स्किन कहाँ से लगा सकते हैं, जहां पर अपने टीबिया फिबुला बोन है और पीछे जो काफ मसल है उसके ऊपर की स्किन कट करके यहाँ पर लगा सकते हैं, तो इस स्किन के लिए वो पार्ट दूसरा हो गया, तो उसको बोला जाता है ग्राफ्ट, ग्राफ्ट मतलब फॉरेन पार्ट। तो ग्राफ्टिंग इज अ टेक्निक कनेक्टिंग द टू पार्ट्स, एक होता है रूट सिस्टम और एक होता है शूट सिस्टम। अब ये दोनों बोले वाला है, यहाँ पर दिख रहा है रूट सिस्टम जो सॉइल के अंदर है और जो सॉइल के ऊपर है उसको क्या बोले, शूट सिस्टम, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, एक प्लांट का रूट और दूसरे प्लांट का शूट,
एक प्लांट का रूट और दूसरे प्लांट का शूट। तो जिस प्लांट का हम शूट ले रहे हैं, ऐसे प्लांट का शूट लेते हैं जिसके अंदर डिजायरेबल कैरेक्टर है, और उसको क्या करते हैं, जो प्लांट रूटेड है उसके ऊपर हमको फिक्स करना है, इसी को बोलते हैं ग्राफ्टिंग। और जिस प्लांट का शूट जिसमें डिजायरेबल कैरेक्टर है वो जिस प्लांट से ले रहे हैं, और जो पार्ट लिया हमने शूट उसको बोलते हैं ग्राफ्ट। तो देखिए, इट इज यूज ऑनली इन कैम्बियम कंटेनिंग यूस्टिलिक प्लांट। ये टेक्निक जिनमें भी होगी उन प्लांट के अंदर कैम्बियम रहना, क्योंकि कैम्बियम से सेकेंडरी ग्रोथ होती है, मोस्टली ये डायकॉट प्लांट में मिल जाएगा। और यूस्टिलिक प्लांट, EU का मीनिंग होता है ट्रू, और स्टील मतलब आपको पता है द स्मॉल शूट ऑफ प्लांट विद द सुपेरियर ट्रेट्स, यानी कि ये जो शूट है जिस प्लांट का हम ले रहे हैं उसके अंदर डिजायरेबल कैरेक्टर चाहिए, सुपेरियर कैरेक्टर चाहिए, सुपेरियर ट्रेट, सुपेरियर ट्रेट आर एम्प्लॉयड एंड इट इज कॉल्ड एज ग्राफ्ट और सीऑन और शूट। किस प्लांट का शूट ले रहे हैं हम, जिस प्लांट के कैरेक्टर अच्छे हैं, जिसके अंदर डिजायरेबल कैरेक्टर है उस पार्ट को हम ले रहे हैं। इट शुड हैव वन टू सेवरल बड्स एंड रूट सिस्टम ऑफ द अदर प्लांट इज अलाउड टू रिमेन इंटैक्ट, इट इज कॉल्ड अ स्टॉक। स्टॉक मतलब ये देखिए, ये जो प्लांट है, जो रूटेड प्लांट है, स्टॉक का मीनिंग होता है रूटेड प्लांट, जिस प्लांट का रूट सॉइल के अंदर है उसको बोलते हैं स्टॉक, ठीक है। और जिस प्लांट का पार्ट इसके ऊपर फिक्स करना है उसको बोलते हैं सियोन। ये दो वर्ड आपको पता होना चाहिए, स्टॉक किसको बोले और सियोन किसको बोला है। सियोन इज नथिंग बट द ग्राफ्ट, तो ये बोला है। आगे और डायग्राम है, समझ में आ जाएगा। तो शूट ऑफ स्टॉक ऑफन कट 10 to 30 सेंटीमीटर अबव द बेस ऑफ रूट, लीव्स एंड बर्ड प्रेजेंट ओवर द स्टम्प ऑफ स्टॉक आर रिमूव्ड। मतलब जो भी शूट हम ले रहे हैं, सपोज ये शूट हमने लिया, तो इसके अंदर हम क्या करें, इसका जो लीफ है, ब्रांचेस है, वो रिमूव करेंगे और इसको यहां से कट करेंगे। क्यों कट किए, क्योंकि इसके अंदर अच्छे कैरेक्टर हो, इसको इस प्लांट के रूट के ऊपर फिक्स करना है इसके लिए। तो इन ग्राफ्टिंग सियोन इज फिक्स्ड ओवर द स्टॉक इन अ मैनर दैट कैम्बिया, मतलब इस तरीके से उसको बिठाया जाता है, जैसे ये हो गया सियोन, और ये जो प्लांट सॉइल के अंदर है ये क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम, स्टॉक, और ये हो गया सियोन। तो इसको इसके अंदर ऐसे इस तरीके से फिक्स करना है कि दोनों प्लांट का कैम्बिया जो है, कैम्बियम, वो एक दूसरे को ज्वाइन होना चाहिए, ये जरूरी है। और उसके ऊपर लगाएंगे बैंडेज और ग्राफ्टिंग वैक्स। द यूनियन इज कवर्ड विद ग्राफ्टिंग वैक्स एंड देन इट इज टाइड विद द हेल्प ऑफ बैंडेज और टेप और रबर और नेल एंड द बर्ड। नेल मतलब देखिए, इसके अंदर ऐसा लगा दिया, इधर से एक छोटा खिल्ला भी लगा सकते हो, इसलिए उसको बोलने वाला नेल भी लगा सकते हैं हम। द बर्ड्स ऑफ स्टॉक्स आर नॉट अलाउड टू स्पोर्ट, मतलब उसको साइड में वो स्पोर्ट फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, जैसे पोटैटो के अंदर होता, देखो वाइट आता वैसा नहीं होना चाहिए। दे आर रिमूव सून एज दे आर नोटिस्ड, किसको रिमूव करेंगे अगर स्पोर्ट फॉर्मेशन हो रहा है तो। और ग्राफ्टिंग किस किस के अंदर होता है, मैंगो, एप्पल, पियर, सिट्रस, गावा, प्लम, पीच, पाइन। तो ये सब एग्जाम्पल है जिसके अंदर क्या होने वाला है, ग्राफ्टिंग। और ग्राफ्टिंग के भी डिफरेंट टाइप रहते हैं, टंग, वेज, क्राउन अप्रोच और बर्ड ग्राफ्टिंग। तो यहां पर आपको दिखेगा डायग्राम में, ये देखिए, ये हो गया सियोन, मतलब ही क्या, शूट, कौन से प्लांट का, जिसके अंदर डिजायरेबल कैरेक्टर है, डिजायरेबल कैरेक्टर, और वी कैन से सुपीरियर कैरेक्टर, और सुपीरियर कैरेक्टर, सुपीरियर कैरेक्टर, ठीक है। और ये है रूट स्टॉक, तो ये सियोन हम इसके ऊपर बिठाएंगे। और ये होगा ग्राफ्ट का यूनियन, जहां पर हम क्या ऐड कर रहे थे, यहां पर एक तो ग्राफ्टिंग वैक्स लगा सकते हैं हम, ग्राफ्टिंग वैक्स और नेल, ये हम यहां पर फिक्स कर सकते हैं, या तो बैंडेज लगाया यहां पर, दिस इज बैंडेज, बैंडेज, बैंडेज ये लगा सकता है, ठीक है। तो ग्राफ्टिंग इज अ टेक्निक विच जॉइंस द टू प्लांट इन टू वन, कंबाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ प्लांट, मतलब ये जो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक वाला है वो इस प्लांट पे फिक्स किया, सो दैट इस प्लांट से अच्छे कैरेक्टर आ सके, ये इसका मेन पर्पस है। यहां पर देखिए दिख रहा है क्लिप्ड और टॉप वेज,
क्लेफ्ट का मीनिंग होता है स्पेस, ये जो स्पेस दिखता है ना इसको बोलते हैं क्लेफ्ट। और टॉप वेज, वेज का मीनिंग होता है कील। तो यहां पर दिख रहा है देखिए कैसे ये फिक्स बैठना चाहिए, इसलिए इसको इस तरीके से कट करेंगे। और इसके अंदर क्या करेंगे, दिस इज सियॉन और ये क्या है स्टॉक, स्टॉक और सियॉन। फिर इसको ये लगा है बैंडेज। यहां पर देखिए हिप ग्राफ्टिंग दिख रहा है, इजिएस्ट एंड मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग इन अ रोज प्लांट। फिर यहां पर और क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग, ईयर लेयरिंग, गार्डिंग, ये क्या है ये सब दिखा वाला है। ये देखिए टाइप, टंग और स्लाइस और विप ग्राफ्टिंग, ऑब्लिक स्लोपिंग कट और नॉच इज गिवन टू बोथ स्टॉक एंड सियॉन। नॉच मतलब क्या होता है, इस तरीके का पार्ट इसको बोलते हैं नॉच, जिसके अंदर हम दूसरा पार्ट फिक्स कर रहे हैं इसके अंदर। दीज आर टू परफेक्टली फिट अपॉन वन अनादर एंड दे आर टाइट टूगेदर, मतलब दोनों को बांधा जाएगा। तो यहाँ पर दिख रहा है हमको सियॉन कौन सा है और स्टॉक कौन सा है, इसको इस तरीके से काट करना है कि नॉच है और जो एक दूसरे में फिक्स बैठ सके। जैसे देखिए हम इस तरीके से इसमें फिक्स करेंगे ऐसा, ठीक है ना, वैसा। देन वेज ग्राफ्टिंग, वेज का मीनिंग मैंने बोला आपको कील। तो वी शेप नॉच यहाँ पर देखिए, ये इस तरीके का ये जो वी शेप दिख रहा है ये क्या कर रहे, इस पार्ट में फिक्स करना था, ठीक है। फिक्स करने के बाद फिर इसको बैंडेज लगाओ, कील लगा सकते हैं, वैक्स लगा सकते हैं, बांधना है इसको, ठीक है। उसके बाद क्राउन ग्राफ्टिंग, ये दिख रहा है क्राउन ग्राफ्टिंग मीन्स वेयर द मेनी सियॉन आर सिलेक्टेड एंड शेप्ड एट द बेस टू फॉर्म वेज एंड मेनी स्लिट्स आर फॉर्म ऑन द साइड ऑफ स्टॉक। सियॉन इज इंसर्टेड इन टू द स्लिट्स एंड आर बैंडेज। उसके बाद देखिए अप्रोच ग्राफ्टिंग, अप्रोच ग्राफ्टिंग के अंदर क्या होगा, टू इंडिपेंडेंटली ग्रोइंग प्लांट्स आर ब्रॉट टुगेदर। ये एक प्लांट है ये एक प्लांट है, दोनों प्लांट एक दूसरे के नजदीक आएंगे। फिर समझ में आ रहा है एक का स्टॉक एक का सियॉन, पर यहां पर जनरली दोनों प्लांट रूटेड है देखिए, तो एक दूसरे को ज्वाइन कर देते हैं। शूट्स ऑफ द टू आर गिवन द कट्स, टू मतलब दोनों प्लांट गिवन एट द सेम लेवल एट डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड द कट्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्मूथ स्लाइस बार्क। टंग शेप्ड कट्स और डीपर वर्टिकल कट्स आर गिवन एंड इन दिस ग्राफ्टिंग सियॉन इज कट बिलो द ग्राफ्ट वाइल स्टॉक इज अ कट अबव द ग्राफ्ट आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनियन। तो ये पढ़े समझ में आ जाता है आपको क्या हुआ यहाँ पर। फिर उसके बाद देखिए अप्रोच ग्राफ्टिंग हो गया ये, अब देखना है बड़ ग्राफ्टिंग। अब बड़ ग्राफ्टिंग में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए टी शेप पे सिल्ट बनाए स्लिट और उसके ऊपर ये जो बड़ है ये यहाँ पर फिक्स करना है। और सियॉन इज अ बड़, मतलब जो दूसरे प्लांट से लाए जिसमें अच्छे कैरेक्टर, इज अ पीस ऑफ बार्क एंड कैम्बियम एंड स्टॉक, मतलब जो प्लांट रूटेड था वो है स्टॉक। तो रूटेड प्लांट को क्या किया, टी शेप का कट की वाला है। एंड बार्क इज लिफ्टेड टू एक्सपोज द कैम्बियम, बड़ इज इंसर्टेड एंड द बार्क इज अलाउड टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। मतलब देखिए ये जो बर्ड था ये इसके अंदर फिक्स किया है, यहाँ पर दिख रहा है देखिए बर्ड सियॉन इंसर्टेड इन टू द बार्क ऑफ स्टॉक एंड बर्ड स्पोर्ट्स आफ्टर 3 to 5 week एंड बर्ड ग्राफ्टिंग इज कॉमनली प्रैक्टिस इन एप्पल पीच एंड रोज, इसके अंदर ये कॉमन है। अब ये लास्ट पार्ट है जिसको कहा जाएगा माइक्रो प्रोपागेशन। ये टिश्यू कल्चर में आता है, वैसे तो हमको जब हम आगे स्टडी करेंगे 12th के अंदर ही वहाँ पे आगे ये पोर्शन हमको आने वाला है, उसके अंदर मैंने डिटेल में बोला, यहाँ पर शॉर्ट में बोलूँगा। माइक्रो प्रोपागेशन मतलब क्या करे, प्लांट का कोई भी एक छोटा सा पार्ट लेकर उससे पूरा न्यू प्लांट तैयार करना, इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोपागेशन। जहाँ पर सेल थ्योरी मैंने बोला था वहाँ पर एक पॉइंट और बोले थे हमने, क्या टोटियोपोटेंसी, एन एबिलिटी ऑफ सिंगल प्लांट सेल टू डेवलप इन टू अ कम्प्लीट एंटायर प्लांट सेल इज कॉल्ड एज टोटियोपोटेंसी। तो यहाँ पर टिश्यू कल्चर में यही होता है, प्लांट की एक सेल लेकर उससे एंटायर प्लांट प्रोड्यूस करना। तो वैसे प्लांट का जो पार्ट ले रहे हैं हम जिससे न्यू पार्ट बना रहे उस सेल को बोलेंगे टोटियोपोटेंसी सेल, और उससे जब न्यू प्लांट तैयार कर रहे हैं उस स्पेसिमन को बोला जाता है एक्स प्लांट। तो ये याद रखिए टिश्यू कल्चर में क्या होगा, इज अ टेक्निक ऑफ मेंटेनिंग एंड ग्रोइंग द सेल टिश्यू
एंड देयर डिफरेंशिएशन ऑन आर्टिफिशियल मीडियम. आर्टिफिशियल मीडियम मतलब न्यूट्रिएंट ये वो सब लगता है, और असेप्टिक कंडीशन मतलब स्टराइल कंडीशन जहाँ पे माइक्रोब कुछ भी नहीं रहेगा इनसाइड ए सूटेबल कंटेनर. सूटेबल कंटेनर मतलब क्या होता है, एक बेंच होता है जिसको बोलते हैं LAF, लैमिनार एयर फ्लो, उसके अंदर ये वर्क होगा. तो जैसे देखें यहाँ पर ये है लीफ, लीफ के सेल को लिया है जिससे न्यू प्लांट बनाना है, उस पार्ट को बोलेंगे एक्स प्लांट. उसको जब ये यहाँ पर क्या है, अगार प्लस न्यूट्रिएंट प्लस क्या रहेगा यहाँ पर स्टराइल कंडीशन, असेप्टिक कंडीशन. फिर इसके अंदर ये देखो कैलस मतलब क्या रहता है, अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल. पहले हमने इस प्लांट का जो पार्ट लिया दिस इज एक्स प्लांट, एक्स प्लांट से क्या प्रोड्यूस होगा कैलस जो कि रहेगा अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ पैनकामेटस सेल, मास ऑफ पैनकामेटस सेल. ठीक है, अब इस कैलस को, कैलस मतलब थैलस के जैसा जिसको रूट स्टेम लीफ कुछ भी नहीं है, फिर कुछ पार्ट के बाद मतलब कुछ टाइम के बाद उसके अंदर बॉडी पार्ट डेवलप होंगे मतलब रूट स्टेम लीफ. जब ये डेवलप हो गए तब उसको बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस. ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस होने के बाद उसको प्लांटलेट तैयार होगा जिसको नर्सरी में डालेंगे और फिर बाद में उसको ग्रो करेंगे. नेक्स्ट स्लाइड में मैंने प्रोटोकॉल दिया है देखिए इस तरीके का. पहले प्लांट को सिलेक्ट करो जिससे हमको पूरा प्लांट बनाना है, फिर उसको स्टरलाइज करो उस एक्स प्लांट को भी, और टिश्यू कल्चर के टेक्निक में जो जो इंस्ट्रूमेंट हमको लग रहे हैं उन सबको भी स्टरलाइज करना जरूरी है, और जहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो भी पार्ट असेप्टिक रहना जरूरी है, मतलब जहाँ पे कोई माइक्रोब ना रहे सो दैट कंटामिनेशन अवॉइड करने आएगा. देन मीडिया सिलेक्शन मतलब वो जो प्लांट के पार्ट है जब हम इस पेट्री प्लेट में डालेंगे तो इसके अंदर न्यूट्रिएंट हमको ऐड करना है सो दैट वो अच्छे से ग्रो हो सके. तो इसके अंदर विटामिन, मिनरल, उसके बाद प्लांट ग्रोथ हार्मोन, एंटीबायोटिक्स, ये सब हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं. मल्टीपल शूट बर्ड इंडक्शन होगा, फिर शूट इलांगेशन होगा, रूटिंग और हार्डनिंग होगी, और उसके बाद इसके अंदर प्लांट डेवलप होगा. तो ये टेक्निक है. वैसे मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा जहाँ पर मैंने टिश्यू कल्चर पूरा एक्सप्लेन किया वाला, तो वो अगर आप देख लोगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा. तो यहाँ पर हमने क्या देखा, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन जिसके अंदर मेनली फोर टेक्निक देखे, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, माइक्रो प्रोपागेशन. कटिंग के अंदर क्या होगा, लीप, स्टेम, रूट कटिंग, और लेयरिंग के अंदर क्या है, टिप, ट्रेंच, सर्पेंटाइन माउंड और गुटियर, और जो ग्राफ्टिंग है उसके अंदर टंग, वेज, क्राउन, अप्रोच और बर्ड ग्राफ्टिंग. तो ये याद रखना है, और लास्ट को माइक्रो प्रोपागेशन. ये यहाँ पर डिफरेंस दिया दोनों में, आर्टिफिशियल और वेजिटेटिव प्रोपागेशन में क्या डिफरेंस है, तो ये भी रीड कर लेना है दोनों पार्ट, दोनों में डिफरेंस क्या है, और पॉइंट्स और भी ऐड करना है दोनों में. ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन ये किसका पार्ट था, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपागेशन के अंदर कौन कौन से मेथड यूज हुए थे उसकी मैंने एक डायग्राम यहाँ पर ऐड की, तो ये आपको हेल्पफुल रहेगा. ठीक है, थैंक यू.